ओमिक्रॉन का नाम सुनकर लोग अब यही सोच रहे हैं कि हालात दूसरी लहर जैसे तो नहीं होंगे। मन में कड़वी यादें आ जाती हैं, लोगों के इस भय के पीछे पुराने अनुभव भी हैं। देश को दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट्स अभी यही कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी हुई है। चंद दिनों में एक मुल्क से 40 मुल्कों तक ओमिक्रॉन वायरस की लैंडिंग हो चुकी है। भारत की बात करें तो अब तक 5 राज्यों में ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। आंकड़े भले ही अभी छोटे हैं लेकिन खतरा बड़ा है, सावधानी की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत में दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा से 5 गुना संक्रामक डेल्टा के 100 दिन के बराबर शुरुआती 15 दिनों में फैला है। जीनोम सीक्वेंसिंग से ही नए वायरस की पहचान मुमकिन हो पा रही है, ये दूसरी परेशानी है। यानी ओमिक्रॉन से संक्रमित को खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है, समझ लीजिए। इस वक्त देश भर में ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे पहले समझिए ओमिक्रॉन भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसे आप उन 5 राज्यों से समझिए जहां ओमिक्रॉन का संक्रमण पहुंच चुका है। नंबर 1 महाराष्ट्र। कोविड के अब तक कुल केस 64 लाख, कोविड से अब तक कुल मृत्यु 1,40,000, नया खतरा ओमिक्रॉन। नंबर 2 कर्नाटक। कोविड के अब तक कुल केस 29 लाख, कोविड से अब तक कुल मृत्यु 38,000, नया खतरा ओमिक्रॉन। नंबर 3 राजस्थान। कोविड के अब तक कुल केस 9 लाख, कोविड से अब तक कुल मृत्यु 8,955, नया खतरा ओमिक्रॉन। नंबर 4 दिल्ली। कोविड के अब तक कुल केस 14 लाख, कोविड से अब तक कुल मृत्यु 25,000, नया खतरा ओमिक्रॉन। नंबर 5 गुजरात। कोविड के अब तक कुल केस 8 लाख, कोविड से अब तक कुल मृत्यु 10,000, नया खतरा ओमिक्रॉन। यानी ये वो राज्य हैं जहां कोरोना महामारी का कोरोना की पहली और दूसरी लहर का कहर टूटा था। ये वही राज्य हैं जो दूसरी लहर की चोट से अभी तक उभरे भी नहीं हैं। लेकिन अब इन्हीं राज्यों में कोरोना का वेरिएंट पहुंच चुका है। वैसे देश में सबसे पहले ओमिक्रॉन ने कर्नाटक में दस्तक दी और फिर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली होते हुए राजस्थान तक पहुँच चुका है। आंकड़ों के हिसाब से ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस राजस्थान में मिले, जहां एक ही परिवार के 9 लोग संक्रमित पाए गए। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है जहां 8 लोग पॉजिटिव हैं। कर्नाटक में 2 लोग संक्रमित हैं जबकि दिल्ली और गुजरात में 1-1। जयपुर में बीते दिन एक साथ एक ही परिवार के 9 लोग ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित पाए गए। संक्रमण को लेकर जानकारी सामने आई है। 25 नवंबर को दुबई मुंबई होते हुए एक परिवार दक्षिण अफ्रीका से लौटा। दुबई मुंबई में परिवार के टेस्ट नेगेटिव आए। 28 नवंबर को परिवार जयपुर में एक शादी समारोह में शामिल हुआ, लेकिन 1 दिसंबर को एक शख्स के पॉजिटिव होने के बाद जब पता चला कि उसी परिवार का है जो दक्षिण अफ्रीका से लौटा था, तो हड़कंप मच गया। 34 लोगों के टेस्ट हुए, दक्षिण अफ्रीका से लौटे शख्स पॉजिटिव निकला। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो एक साथ 9 लोग ओमिक्रॉन के शिकार मिले। दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे एक ही परिवार के लोगों समेत 9 लोगों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए जाने के बाद जयपुर में प्रशासन सख्ते में आ गया है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए ये पता किया जाए कि क्या ये लोग और लोगों के कॉन्टैक्ट में आए थे क्या, और ये कोशिश की जाए कि इस वेरिएंट को, जो कि डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा ट्रांसमिसिबल माना जा रहा है, को किसी तरह से कंटेन कर सकें। राजस्थान में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं एक बार फिर महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ है। बीते दिन यानी रविवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हुई है। 8 ओमिक्रॉन रुग्ण आढळलेले आहेत, यामध्ये 1 काल आढळलेला रुग्ण आणि 7 आजच्या दिवसात झालेली नोंद, अशा एकूण 8 अशी संख्या महाराष्ट्रात झालेली आहे। 1 महिला तिच्या 2 मुलींना घेऊन नायजेरियावरून आली आणि त्या संपूर्ण ती फॅमिली येतानाच बाधित होती। हेल्थ डिपार्टमेंट की जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में एक शख्स फिनलैंड से लौटा था, वहीं दूसरे संक्रमित नाइजीरिया से।
वहीं ओमिक्रॉन ने कल दिल्ली में भी दस्तक दी है। विदेश से आए 17 लोग अस्पताल में भर्ती किए गए। इनमें तंजानिया से आया शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला। जो भी अफेक्टेड कंट्रीज से आ रहे हैं उन सबका 100% लोगों का टेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तक 27 लोगों को LNGP हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से 17 पॉजिटिव हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, तो वो 27 लोग हैं। 17 लोगों में से 12 की जीनोम सिक्वेंसिंग हो चुकी है, एक जो है वो ओमिक्रॉन पाया गया है। बड़ी बात यह है कि 2020 में कोरोना महामारी का कुचक्र शुरू हुआ और अब इस चक्र में नए खतरे का नाम ओमिक्रॉन है। यही वायरस है जिसका पता जीनोम सिक्वेंसिंग से ही पता चला है, लेकिन मुसीबत बड़ी है क्योंकि अभी जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा देश में सिर्फ चंद दर्जन लैब में ही मौजूद है। सोचिए, जिस वायरस से लड़ना है, जिस अदृश्य हमलावर को हराना है, उसी हमलावर को वक्त रहते पहचान लेना सबसे बड़ी चुनौती है। ये तब है जब थोड़ी सी भी देर का मतलब है बड़ी आबादी का वायरस की चपेट में आ जाना। अभी तक दुनिया को यह भी नहीं मालूम है कि ये वायरस आने वाले दिनों में कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ इतना पता है कि ये वायरस डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जयपुर शरद कुमार, मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक रिपोर्ट।